तो आज के वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आज का टॉपिक है अपना त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। पिछले साल दोस्तों आप देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस नेक्स्ट टाइम क्या करता है बिहार बोर्ड, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है तो सेम क्वेश्चन भी छाप देता है, हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके भी छापता है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो होते हैं एक ही मतलब टर्म पे, एक ही पैटर्न पे आधारित होते हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का डाउट रह जाए तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाई देखो, टेन थीटा का मान दिया हुआ 4/3 और हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 4। ऑप्शन दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है ना, लंब बट्टा आधार। ये दो चीज़ हमको पता है, लंब मालूम है कि लंब अगर 4 है तो आधार 3 होगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए हमको चाहिए क्या क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन हमको कर्ण क्या है नहीं पता है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है ना, कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण का मान कितना है, सॉरी लंब का मान कितना है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 का मान आ गया 5। ठीक है, अब हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। प्लस कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ऊपर में 7 हो जाएगा, 7/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 7/5, ऑप्शन नंबर सी हो गया इस तरीके से करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसी तरीके से दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर रूट 3 है तो हमको सेक थीटा का मान बताना है। टेन थीटा बराबर रूट 3 है तो हमको सेक थीटा का वैल्यू बताना है। आप लोग सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करके बताते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए, टेन थीटा है और रूट 3 जो है टेन का ही किसी एंगल का वैल्यू है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा और रूट 3 को टेन के कौन सा एंगल में होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो टेन और टेन फंक्शन बराबर है तो एंगल भी आपस में होंगे बराबर, मतलब यहां से थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब सेक थीटा दिया हुआ है तो थीटा का मान तो 60 डिग्री है, तो यहां पर हम सेक और थीटा के जगह पर कितना रख देंगे? 60 डिग्री। अब आपको पता करना है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो सेक थीटा के बारे में आप जानते हैं कि कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉस को पलटने पर सेक का मान आता है। तो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसको अगर हम पलट देते हैं तो सेक 60 डिग्री का मान आ जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है, जो 37 डिग्री का होता है। तो 1/2 को अगर हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 होगा, और इसको हम 2 लिख सकते हैं। और 2 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपको क्या करना है? OMR को रंगना है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे भाइयों तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो हमें थीटा का मान बताना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, 4 tan थीटा का मान है 4 तो हमको थीटा का मान बताना है। तो देखिए ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? 4/4, कैंसिल करके हो जाएगा 1। tan थीटा बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। फंक्शन दोनों सेम तो एंगल भी क्या होगा? सेम। तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस तरीके से अपना आंसर। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? एक घड़ी है, इसमें मिनट का जो सुई होगा एक घंटे में कितना जाएगा? तो एक घंटे में पूरा ये घूम करके पूरा फिर से 12 पे आ जाएगा। मिनट का सुई जी अगर 12 से स्टार्ट हुआ है तो एक घंटा में फिर से 12 पर जाएगा, तभी तो होगा एक घंटा। और ये पूरा जो एक चक्कर लगाया तो वो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 × 1 − sin² / cos² का मान पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और ऑप्शन में से कैसे लाना है? तो 1 − sin² क्या होता है? cos² होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 cos² और नीचे में है cos² ठीक है। तो cos² से cos² कट गया तो आंसर कितना आया अपना? 2 आया।
तो टू आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, मैच कर रहा इससे, तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। तो अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, तो थीटा का मान था 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पर हम रख दिए 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा सा 1। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में AB बट्टा AC क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, और हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में चलते हैं उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में चले तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, और शेष जो बच जाता है वो हो जाता है आधार। अब बताइए यहाँ पे AB क्या है, AB यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, और AC क्या है, तो AB क्या था आधार था, तो ये हो जाएगा आधार, और AC क्या है, कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कॉस थीटा का, लेकिन यहाँ एंगल थीटा नहीं अल्फा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस अल्फा। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है उसके लिए हम देख रहे हैं बुक, और कॉस अल्फा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है इनटू 1 माइनस sin थीटा दिया हुआ है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आप करो उसको sin और cos के पदों में चेंज कर लेंगे पहले। तो cos sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये तो पूरा हो गया sin cos में चेंज, और ये तो पहले से ही sin cos में है, ठीक है। अब देखिए यहां से इसका LCM करेंगे तो ये आएगा cos थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा तो पहले से हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे में कॉस थीटा तो है ही, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा ए को कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। और अपना प्यारा सा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, इसमें प्यारा सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 है तो हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, ये साइन का व्युत्क्रम है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बट्टा लंब, मतलब कर्ण और लंब हमको पता है, तो टेन थीटा के लिए हमको आधार का भी जरूरत है, तो आधार हम निकालेंगे, तो आधार बराबर रूट अंडर, सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर हम घटा लेते हैं, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और लंब मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और घटाएंगे तो ये आएगा 25, मतलब इसका मान आ गया 225 आएगा, तो इसका मान होगा 15, ठीक है। तो हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यही होता है ना, तो लंब का मान कितना है 8 है, आधार कितना है 15 है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 8/15 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है बी बट्टा ए, तो हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, यही होता है ना, कर्ण बट्टा लंब, मतलब कर्ण और लंब हमको मालूम है, लेकिन सेक के लिए हमको आधार चाहिए, तो आधार हम निकालेंगे यहाँ से, आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण है बी, तो बी का स्क्वायर, लंब है ए, तो ए का स्क्वायर इसमें से घट जाएगा, आधार हमको पता चल गया, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार होता है, और कर्ण का मान कितना है, तो बी है, आधार कितना निकला है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है ना, चूंकि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, अगर हम कॉसेक थीटा को इधर रखते हैं और साइन थीटा उधर जाता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा, और ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 इधर गुना में है तो उधर भाग में जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/2। अब थीटा में साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं इस तरीके से। फंक्शन दोनों सेम है तो एंगल भी सेम होगा, मतलब थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब यही 30 डिग्री हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये होगा √3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, और प्लस में 3 होगा, ठीक है। तो 3 × और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा और प्लस 3 होगा, तो 3 को 3 से गुना करने पर 9 और प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर आया 12। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कहता है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो हमको cot थीटा का मान ज्ञात करना है। cot थीटा का ही मान ज्ञात, cot थीटा बराबर किसके है ये पूछ रहा है, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। इस तरीके को क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ से कर्ण और आधार हमको पता है, cot थीटा के लिए हमें लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब होता है फॉर्मूला, तो आधार और लंब भी चाहिए ना, तो लंब के लिए क्या होता है फॉर्मूला, √ कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, घटाने के बाद आता है 25, मतलब लंब का मान आ गया 5। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार का मान कितना है, ये है 12, लंब कितना है तो 5, 12/5 आया अपना प्यारा सा आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर किसी भी तरह का डाउट है, अगर वीडियो को अच्छे क्वेश्चन सॉल्यूशन को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए कहता है कि 1 + tan² थीटा जो है बराबर है किसके, चाहे इसका मान क्या है, तो 1 + tan² थीटा ये पूछ रहा है ना, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, sec² θ - tan² θ बराबर होता है 1 के। अगर इसी tan² θ को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, बचेगा इधर sec² θ और 1 + tan² θ इस साइड हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है ना, 1 + tan² θ का किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा sec² θ के बराबर, और sec² θ कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अपना कहता है कि tan थीटा का मान है 8/15, तो हमें cosec θ का मान बताना है। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है ना, तो लंब बट्टा आधार हो जाएंगे ये, मतलब लंब और आधार हमको पता है। cosec के लिए हमको क्या चाहिए, कर्ण और लंब और कर्ण चाहिए, ठीक है। तो कर्ण भी हमको निकालना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √lb² + aadhaar² लंब का स्क्वायर करेंगे तो 64, आधार का स्क्वायर करेंगे तो 225, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा, मतलब ये कितने का वर्ग, इसका वर्गमूल आ जाएगा 17, ठीक है। कि वर्ग 289 किसका वर्ग है, 17 का, तो इसका वर्गमूल भी 17 ही होगा। और cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर्ण कितना है, 17 है, लंब कितना है, 8 है, तो 17/8 हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 17/8 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। तो ये क्वेश्चन में कहता है यदि cosec थीटा बराबर √10 है तो हमें sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cosec थीटा में क्या क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, मतलब कर्ण और लंब हमको पता है, नीचे में कुछ नहीं है, 1 से भाग दे दिए, ठीक है। तो मतलब कर्ण अगर √10 है तो लंब है 1, लेकिन sec के लिए हमको आधार भी चाहिए, तो आधार हम निकालेंगे, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है √ कर्ण में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √ कितना हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9, √9, और इसका वर्गमूल होगा 3, मतलब आधार आ गया अपना 3। और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है √10, और आधार कितना है, तो आधार है 3, तो √10/3 हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। कौन सा मैच कर रहा है, √10/3 ऑप्शन नंबर बी। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि sec थीटा जो है किसके बराबर है, sec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, cos थीटा गुना sec थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहां पर हमसे पूछ रहा है sec थीटा, तो ये इधर जाने के बाद
बाद क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 बाई कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1 बाई कॉस थीटा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 cos थीटा = 2 है तो हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 है गुना में तो उधर जाके चला जाएगा भाग में, मतलब 2/3 हो जाएगा। cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यही होता है ना, मतलब आधार और कर्ण हमको पता है। लेकिन tan थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए। तो लंब भी हमको निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब होता है रूट अंडर मतलब कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा, मतलब रूट अंडर 5 आ गया वैल्यू। अब देखिए इसमें हम वैल्यू रखेंगे सबका, ठीक है। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 3 और आधार कितना है, तो आधार है 2। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 गुना tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, रूट अंडर 5 और आधार कितना है, तो आधार है 2। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है ना, और -7 होंगे, ठीक है। अब देखिए 2 गुने स्क्वायर करेंगे इसका तो 3 * 3 = 9 हो जाएगा, नीचे में 2 * 2 = 4 हो जाएगा, प्लस है ये अलग है, ठीक है, अलग अलग पद हैं। 2 * √5 करेंगे तो 5 ही होगा, 2 * 4 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। देखिएगा 2 * 2 = 4 कट रहा है, यहाँ से भी 2 * 2 = 4 कट रहा है, ये क्या आया, 9/2 प्लस 5/2 -7 आया। LCM लेने पर 2 आएगा, 9 + 5 और -7 * 2 = 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 - 14/2 आ गया, मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा 0। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें देखेंगे, तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 8/17 है तो हमें कॉट ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, लंब और कर्ण का रेशियो दिया हुआ है, लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ है 8/17। लेकिन कॉट के लिए हमको चाहिए लंब और आधार, आधार और लंब चाहिए, तो आधार भी हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार के लिए क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, घटाने पर कितना हो जाएगा, 225, मतलब इसका मान आएगा 15। कॉट ए के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, नहीं कर्ण बट्टा आधार होगा, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। कर्ण का वैल्यू कितना है 17 और आधार का वैल्यू कितना है 15, तो 17/15 हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन मैच कर रहा है 17/15 ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। आपने तो फॉर्मूला एक पढ़ा है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, यही ना होगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे भाइयों, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कहता है कि 5 cos θ = 3 है तो 3 tan θ का मान क्या होगा। तो 5 cos θ = 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos θ = 3/5, और cos θ क्या होता है, फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार और कर्ण हमको पता है, लेकिन टेन के लिए हमको लंब भी चाहिए, तो लंब बराबर निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रूट अंडर 16 आ गया, मतलब वैल्यू आ गया 4। किसका, तो लंब का। अब हम टेन थीटा का मान रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 * टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब आया 4 और आधार कितना है, तो ये 3 से 3 कटेगा, आंसर आएगा अपना 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर है 3/4, तो हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। लेकिन साइन के लिए हमको लंब बट्टा कर्ण, मतलब कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25, मान कितना आ जाएगा 5। अब साइन थीटा के लिए हमको क्या होता है, फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण होता है ना, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, लंब कितना है, तो लंब है 3 और कर्ण कितना निकला है, तो कर्ण निकला है 5। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है,
ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है 3/5 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट रह जाता है आपको, तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक देख सकते हैं, त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो है, फुल वीडियो है, एक घंटे के आसपास का होगा, 40-50 मिनट से एक घंटे के बीच का है, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया गया है त्रिकोणमिति का क्लास 10th के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो 15 cot A = 8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इसी तरीके से सब क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप पे आ रहा है, 8/15 हो जाएगा ये। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है, टैन का पलटी खा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधार और लंब पता है, लेकिन साइन के लिए हमको कर्ण भी चाहिए ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर इस दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा रूट अंडर 289, मान आएगा 17। अब साइन थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है, ये है 15, और कर्ण कितना निकला है तो 17। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है 15 बट्टा 17, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि कॉस ए बराबर 1/2 है तो 1 - cos² a का मान ज्ञात करें। ये कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या है, कॉस ए का होल स्क्वायर है, कॉस ए का मान हमको पता है 1/2, तो डायरेक्ट से हम रख देते हैं 2 × 1/2 है कॉस ए का मान, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 × 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 कटेगा, 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, आंसर क्या आएगा 1/2। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कुछ फॉर्मूला आप एक पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहा है, तो ये कब आएगा, जब इसमें से हम माइनस एक कॉमन लेंगे तब आएगा, ठीक है, बराबर 1 के होगा। अब ये माइनस एक उधर जाएगा तो इसको भी क्या करेगा, माइनस एक कर देगा, माइनस एक से भाग लगेगा तो ये माइनस एक कर देगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1 होगा। इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, इसका ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा दिया हुआ रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब रूट के अंदर से कॉस स्क्वायर थीटा है तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, तो यही ना बी वाला ऑप्शन का जो हल निकला है, यही ना कॉस थीटा के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि √3 tan θ = 3 sin θ है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, √3 tan को आप sin cos में चेंज करेंगे तो sin थीटा बट्टा cos थीटा हो जाएगा, बराबर क्या है 3 sin θ के, यहां से sin थीटा से sin थीटा तो गया, बचा क्या, तो सिर्फ cos थीटा, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √3, और ये 3 इधर आने के बाद बट्टा में 3 हो जाएगा, और बराबर क्या है cos थीटा, ये cos थीटा भाग में था उधर गया तो गुना में चला गया, ठीक है। अब देखिए ये √3 है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं, √3 × √3 लिख सकते हैं, ये √3 से √3 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है, बराबर क्या आ गया cos थीटा के, तो cos थीटा का मान पता चल गया 1/√3। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos² θ लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस में ये भी है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 2 cos² θ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, तो 1 - 2 × cos थीटा का मान है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होंगे 1 - 2 × 1/3 हो जाएगा, मतलब 1 - 2/3 होगा, LCM इसका लेंगे तो 3 - 2/3 हो जाएगा, मतलब आंसर आया इसका 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो प्यारे भाइयों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपको समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, इससे आगे भी और ऑब्जेक्टिव की वीडियोस आएंगी, जरूर सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, अगर अभी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अपना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्लास 10th के मैथ में कहाँ पर दिक्कत
दिक्कत होता है आपको तो कमेंट में आप बता दीजिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो तैयार होगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एकदम से मस्त रहिए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय बाय, टाटा।